हेलो दोस्तों, दिस इज़ चंदन साड़गांवकर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले IBPS क्लर्क प्रीलिम्स के एनालिसिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के सारे शिफ्ट के पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, तो प्लीज़ आप जाके उस वीडियो पे देखिए कि शिफ्ट वन में क्या हुआ था। और दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ चारों शिफ्ट का एक कॉम्बिनेशन, एक पैकेज लेकर के आने वाले दिनों में, यानी कि कल या फिर आने वाले शिफ्ट में क्या होने वाला है। दोस्तों, बिना वक्त जाए के मैं स्ट्रेट वे शुरू करता हूँ इंग्लिश सेक्शन से। दोस्तों, इंग्लिश में अगर आपने उस वीडियो में देखा होगा तो जो मैंने पैटर्न बताया सेम वही आया है, ऑलमोस्ट एक आधा मास ऊपर नीचे। मैं आपको जस्ट एक रिवाइज कर देता हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, एरर्स है, सिंगल फिलर 3 मार्क्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 मार्क्स, मैच द फॉलोइंग जो मैंने कहा था वो एक न्यू पैटर्न में है, वह सेंटेंस फॉर्मेशन है, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक दूसरा मार्क्स किसी एक का वेटेज कम किया, एक मार्क तो एक का वेटेज माइनस किया, इतना ही फ़र्क है। ओवरऑल मैं फिर भी कहूँगा कि इसमें सेफ सा अटेम्प्ट कर लूँ और आगे बढ़ जाओ। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट सेक्शन, रीजनिंग। देखो दोस्तों, रीजनिंग कुछ सेक्शन में 3 आ रहे हैं, कुछ सेक्शन में 5 आ रहे हैं, बट एनी हाउ 3 या 5 लेवल वही है, नॉर्मल लेवल के आ रहे हैं, ज़्यादा कुछ डरावने या कुछ बड़े जो डेंजरस सिलोगिज्म होते हैं उस तरह के नहीं, नॉर्मल लाइक कि 2x2 या 3x2 के, मतलब 3 स्टेटमेंट्स 2 कंक्लूजन, 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, इस प्रकार के सिलोगिज्म आए। डायरेक्शन भी 2 मार्क्स के लिए है, अल्फ़ाबेट सीरीज किसी में 5 मार्क्स के लिए है। और पजल्स की बात करूँ, देखो पजल्स जो डे पजल, बॉक्स पजल, ये तो आ ही रहे हैं, साथ में एक थर्ड शिफ्ट में थोड़ा चेंज हुआ कि एक सर्कुलर बेस्ड पजल आया और कुछ ऐसा पजल आया कि एक पजल है विच इज़ बेस्ड ऑन अनसर्टन नंबर, ठीक है, तो स्लाइटली थोड़ा अलग लग रहा है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ और मैं आज इन्हीं चीज़ों में फोकस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो पिछले स्लॉट्स में नहीं थे, बाकी तो नॉर्मल चल रहा है, यानी डे पजल तो आया था, बॉक्स पजल भी आया था, कंपेरिजन बेस्ड पजल यानी या फिर कह सकते हो रैंकिंग बेस्ड पजल था, लेकिन सर्कुलर और अनसर्टन नंबर ऑफ पजल, तो ये आप पजल सिर्फ थोड़ा याद रखना कि कैसे हो सकता है। एक हाथ दूसरा न्यू पजल है। अगर मैं पूरे रीजनिंग की बात करूँ फिर भी कह सकता हूँ मैं कि आप 25 से 30 अटेम्प्ट कर सकते हो। वो 25 और 30 का गैप इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी स्पीड पजल पे कितनी है, नहीं कर पाए तो आप 25 पे ही रुक जाओगे, अगर कर पाए तो 30, इससे आगे भी बढ़ सकते हो इफ़ यू हैव रियली टेरिफिक स्पीड। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये पेपर ईजी होने वाला है मेरे हिसाब से और कट ऑफ हाई जाएगी, वॉट आई फील। तो दोस्तों, तीसरे सेक्शन के बारे में बात करते हैं, वो जो है मैथ्स। मैथ्स में देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 5 आ रहा है, डेटा इंटरप्रिटेशन अगेन टैबुलर ग्राफ कॉमन रखा है, तो टैबुलर हो सके तो 2-3 आज सॉल्व करके जाना, कल के पेपर के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन 10 मार्क के लिए आ रहा है, मिसलेनियस 10 मार्क के लिए, वो वैसे ही सेम है, सिर्फ एक शिफ्ट में क्या हुआ कि रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी उन्होंने, अभी तक क्या चल रहा था कि मिसिंग टर्म पूछ रहे थे लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी है, लेकिन मैंने देखा कि वो काफ़ी मतलब इजी लेवल के हैं, स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो वो इजी लेवल के बोल रहे, तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये थोड़ा बैक ऑफ द माइंड में रखना कि ऐसा भी आ सकता है। दोस्तों, ये मेरा वीडियो सिर्फ आपको आगाह करने के लिए था कि एक ही शिफ्ट पर डिपेंड मत रहना कि वो हुआ तो पूरा कॉपी पेस्ट होगा, हालाँकि पहले ये होता था लेकिन अभी थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, तो अभी भी इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा चेंज रखो कि थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, थोड़ा सा बदलाव मतलब ये पजल निकाल देंगे तो वो पजल रख देंगे, यू नो, ऐसा जैसे कि सीरीज नंबर सीरीज उन्होंने मिसिंग रखा था तो एक पैटर्न में उन्होंने रॉन्ग नंबर सीरीज दिया। तो 9 दिसंबर में जो आप जाने वाले हो यानी कि कल संडे को, तो डेफिनेटली इसके तैयार रहना। मैं फिर भी कहता हूँ 75 से 80 जो मैंने कहा है इस पेपर के हिसाब से मुझे लग रहा है उतने अटैम्प्ट के हो जाने चाहिए। रीजनिंग में ज़रा मैक्सिमम स्कोर करके रखो, मुझे ऐसा लग रहा है, एक्चुअली दोनों में कह सकता हूँ रीजनिंग और मैथ्स, बट डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच योर स्पीड इज इन मैथ्स दैट विल मैटर। सो रीजनिंग में थोड़ा 30 प्लस हो सके तो आप थोड़ा आप सेफ जोन में बच जाओगे, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा मेरे हिसाब से तो बढ़नी चाहिए, मेरे हिसाब से इन द सेंस IBPS वालों की तरह मैं सोचूं, क्योंकि पेपर ईजी है क्वाइट, सभी लोग ईजी ही बोल रहे हैं, कोई डिफ़िकल्ट बोल नहीं रहा है, तो उस तरीके से प्रैक्टिस करना और एंड डू वेल, और प्रैक्टिस उसी तरीके से करो जैसे मैंने कहा था कि DI वगैरह कैसा होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज और पजल्स का, ठीक है। आपको कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।